ओके तो तुम लोग को पता ही होगा कि हमारा सीएस रैंक का मोड कल का ही चेंज हो गया है और काफी सारे बंदे लगे होंगे रैंक पुश करने में। अब तुम लोग भी जाना चाहते हो क्लैश स्क्वाड में हीरोइक या ग्रैंड मास्टर, इसके लिए बेस्ट कैरेक्टर स्किल क्या होने वाली है और आप लोग को कैसे गेम प्ले करना है, मैं खुद का बताऊं तो लिटरली भाई मैंने जितने भी गेम प्ले किए हैं सारा का सारा भूया किया है। तो जो ट्रिक होने वाली है वो बड़े बड़े यूट्यूबर और जो ग्लोबल पे जाके बैठे रहते हैं वो सारे बंदे ये ट्रिक को यूज करते हैं और जिसकी वजह से वो लोग ग्रैंड मास्टर या हीरोइक इजिली पहुंच जाते हैं। तो देखो जो पहला टिप्स होने वाला है कौन कौन सा कैरेक्टर आप लोग को सीएस मोड में यूज ही नहीं करना है। लिक्वेता, नोटोरा, कैरोलिन, प्लोमा, कला, मिशा, जय, इन सब कैरेक्टर से दूर रहना अगर आप लोग को हीरोइक या ग्रैंड मास्टर जाना है भाई लोग, क्योंकि इन कैरेक्टर का गेम में कोई भी यूज नहीं है क्लैश स्क्वाड में। बात करें अपने दूसरे टिप के बारे में तो भाई लोग अगर आप लोग के पास एक प्रॉपर स्क्वाड होगी तो भाई स्क्वाड के साथ ही खेलना, क्योंकि रैंडम बंदे के साथ खेलने पे भाई पूरा का पूरा लोड हम लोग पे ही पड़ता है और भाई वो लोग बंदे इधर उधर भागते हैं तो भाई दिक्कत हो जाता है। अगर देखो तुम्हारे पास अपनी प्रॉपर स्क्वाड नहीं है तो भाई आप लोग को होल्ड करके खेलना होगा। देखो भाई लोग अगर तुम मर गए तो भाई गेम ही पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग को लास्ट में पूरा जिंदा रहना है। इसीलिए भाई लोग आप लोग जितना होल्ड करके खेल सकते हो उतना होल्ड करके खेलना। अब बता देते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में कि कौन कौन सा आप लोग को कैरेक्टर सीएस मोड लेके खेलना है। तो जैसा कि आप लोग ओरियन लोग है तो आप लोग ये वाला पेट ले लेना, क्योंकि भाई ये ईपी देता रहता है तो ओरियन को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि भाई जब ओरियन बनता है तो ईपी की उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो पेट होने वाला है आप लोग को ईपी की जरूरत पूरी कर देगा। एंड बात कर ले अपने दूसरे कैरेक्टर के बारे में जो बहुत ज्यादा यूज आता है सीएस मोड में, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारा क्लू कैरेक्टर होने वाला है। इसके साथ आप ये वाला पेट लगा सकते हो जिससे ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक आप लोग स्कैनिंग कर पाओगे एनिमी की लोकेशन, जिससे तुमको और तुम्हारे टीममेट को भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा गेम प्ले करने में, क्योंकि भाई एनिमी की लोकेशन पहले ही पता चल जाएगी तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा मारने के लिए। अगर आप लोग के पास एक प्रॉपर स्क्वाड है तो उसमें आप लोग एक ध्यान रखना है जिसमें स्नाइपर भी होना चाहिए, नडर भी होना चाहिए और रसर भी होना चाहिए, क्योंकि ताली भाई दोनों हाथों से बजती है एक हाथों से नहीं। इसीलिए भाई एक बंदे को टाइट नहीं रहना चाहिए, चारों के चारों बंदे भाई अच्छे खेलने चाहिए। जैसे भाई लोग आप लोग को एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आप तास्वय को यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोग कोई और कैरेक्टर को यूज कर रहे हो तो उसके साथ बेस्ट कैरेक्टर स्किल रखना। तो चलो उसका टेंशन मतलब मैं अब बता देता हूँ कि क्या कैरेक्टर स्किल रखोगे किस कैरेक्टर के साथ। तो देखो मैं तो बोलूंगा कि अगर आप लोग पास एक प्रॉपर स्क्वाड नहीं है तो आप तास्वय ही लेके खेलो। अगर आप लोग को तास्वय मतलब अच्छा नहीं लगता तो आप ओरियन को भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ओरियन लेना तो मिगविल को जरूर लेना, क्योंकि भाई वो ईपी देता है तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप तास्वय लेते हो तो इसके अंदर आप लोग को एक लिवन ले लेना है जो कि आप लोग 10-10 एचपी करके 60 एचपी देगा डैमेज पड़ने के बाद, और थीवा जो कि है भाई अपने टीममेट को जल्दी रिवाइव करता है, और सोनिया भाई आप लोग को पुनर्जन्म देती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है ये कैरेक्टर इसकी। एंड गाइस आप लोग के पास एक स्क्वाड है मतलब आप लोग एक स्क्वाड के साथ खेलते हो तो आप डिमिट्री को ही यूज करना, क्योंकि भाई लोग रिवाइव करने के लिए भाई हम लोग अदर बंदे को तो थोड़ी रिवाइव करने जाएंगे, अपने टीममेट रहते हैं तो भाई रिवाइव करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो डिमिट्री और थीवा का कैरेक्टर स्किल्स बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई डिमिट्री एक रेडिएशन फैला देता है और थीवा जो कि है बहुत जल्दी से रिवाइव कर देगा, 2.1 सेकंड में रिवाइव कर देता है थीवा। एक और इंपॉर्टेंट बात भाई लोग, अगर आप लोग एक दो गेम हार जाते हो तो और दो तीन गेम खेले जाते हो जिससे आप लोग का पूरा जो भी रैंक प्लस हुआ होता है वो भी माइनस हो जाता है। तो भाई अगर आप 3-4 मैच हार गए तो भाई कुछ 10-15 मिनट के लिए मोबाइल रख के बाहर चले जाओ, उसके बाद से फिर आके गेम प्ले स्टार्ट करो, देखना भाई लोग पक्का प्लस लगेगा। अगर आप लोग ऐसे गेम प्ले करते जाओगे तो भाई उसमें ये होता है कि दिमाग को ऐसा लगता है कि भाई हर गेम हार ही रहे, तो भाई और ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके खेलते हैं तो और ज्यादा हारते जाते हैं। और भाई आप लोग को एक और बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आप लोग को क्लैश स्क्वाड के अंदर रश नहीं करना है, जितना होल्ड करके खेलोगे भाई उतना अच्छा रहेगा और जल्दी जल्दी आप लोग का रैंक प्लस होगा और जल्दी से आप लोग हीरोइक या मास्टर लगा सकते हो। तो देखो अगर बंदे पे रश करना है तो आप लोग को भाई कैसे भी करके उसका मतलब आधा हेल्थ तो खत्म कर देना है, मतलब 50% उसका हेल्थ खत्म कर देना है। जैसे 200 एचपी होता है तो उसका 100 एचपी आप लोग खत्म करने के बाद ही उस पर रश किया करो, क्योंकि भाई लोग आप थोड़ा सा डैमेज करते हो और सीधे रश करने चले जाते हो तो भाई वो बंदा वेट में ही रहता है कि वो बंदा आएगा तो मार देता है। तो भाई इसीलिए आप लोग पहले उसको डैमेज दो, उसके बाद से उस पर रश किया करो। एंड जो अगला टिप होने वाला है भाई लोग, आप लोग ग्रेनेड करो, क्योंकि अगर ग्रेनेड करने से आप लोग के जो टीममेट होते हैं उनको किल करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है,
लिए आप लोग को भी इजी हो जाता है, क्योंकि ग्रेनेड से ही बहुत ज्यादा बंदे डैमेज हो जाते हैं, जिससे आप लोगों को किल करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। भाई ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि भाई रैंडम बंदे से आप बात कर पाओ, क्योंकि रैंडम बंदे से बात करने से आप लोग को एक पैचअप बनता है, जिससे आप लोग गेम प्ले करने में बहुत इजी हो जाता है, और बात कर करके गेम प्ले करने से बहुत ज्यादा ही बुया हो जाता है। अगर मेरे ये सारे के सारे बताए हुए टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो विद इन 1 से 2 वीक में आप लोग हीरोइक तो पक्का ही चले जाओगे। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।